मानव शरीर की आंतरिक संरचना। नमस्कार, राजकीय उच्च विद्यालय खैरा में आपका स्वागत है। मानव शरीर बाहर से कैसा दिखाई देता है देखिए, इसके पश्चात यह हमारा सर्कुलेटरी अर्थात परिसंचरण तंत्र है। परिसंचरण तंत्र में हमारे पास ये धमनियाँ होती हैं। धमनियाँ जो हैं हृदय से सूक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं। हृदय यह रक्त को शुद्ध करता है। शिराएं जो ये नीले रंग की दिखाई गई हैं, शिराएं शरीर के अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर जाती है। इसके पश्चात हमारा यह मसल्स सिस्टम से, मांसपेशिया सिस्टम से। मानव शरीर में कुल 650 के करीब मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियों के द्वारा हम चल फिर सकते हैं, श्वसन, पाचन क्रिया, विसर्जन क्रिया, बैठना, ताड़ना आदि कर सकते हैं। और एक खास बात, सबसे मजबूत मांसपेशियां हमारी जबड़े की होती है। इसके पश्चात हमारा ये नर्वस सिस्टम है अर्थात तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र के मेन तीन भाग होते हैं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएँ। तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, हमारा सीखना, विचार, संवेदनाएं, भूख, प्यास आदि इसी के द्वारा ही होता है। इसके पश्चात देखें, ये हमारी पसलियां हैं। पसलियां कुल 12 जोड़े होते हैं अर्थात 24 होती हैं। पसलियों के अंदर हमारे काफ़ी ऑर्गन्स सुरक्षित रहते हैं, जैसे हृदय हो गया, फेफड़े होगी, श्वास नली हो गया आदि। ये हमारा पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र हमारा मुख गुहा से स्टार्ट होता है, ग्रसनी में को जाता हुआ अमाशय में आता है। अमाशय में आने के बाद यह छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के बाद हमारा यह पाचन की क्रिया जो है बड़ी आंत में हो जाती है। इसके पश्चात ये हमारे फेफड़े हैं। फेफड़ों में हमारा यह श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र के द्वारा हम वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। श्वसन तंत्र के मुख्य भाग हैं नासा द्वार, श्वास नली, स्वर तंत्र, फेफड़े, ब्रोंकाई आदि। ये हमारी कुपिकाएं हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये कुपिकाएं फूल जाती हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं कुपिकाएं सिकुड़ जाती हैं। इसके पश्चात ये हमारा हृदय है। हृदय एक कोमल अंग है जो शंख के आकार का होता है। इसके चार भाग होते हैं, दो भाग ये आलिंद कहलाते हैं, दो भाग ये नीले कहलाते हैं। हृदय जो है ये अशुद्ध रक्त को शुद्ध करता है। इसके पश्चात ये हमारा उत्सर्जन तंत्र है। उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को इकट्ठा करता है और उन्हें बाहर निकालता है। इसके मुख्यतः भाग हैंगे, ये हमारे दो वृक्क हैं, दो मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग है। ये हमारे किडनी के अंदर का दृश्य है, जिसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो रक्त में से मूत्र को छानकर अलग करते हैं। लास्ट में ये हमारा कंकाल तंत्र है। ये हमारी खोपड़ी है। खोपड़ी के अंदर हमारा ये मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। मानव कंकाल में कुल 206 हड्डियां होती हैं। आशा है आपको यह TLM पसंद आया होगा। धन्यवाद।